हे गाइस वेलकम बैक एक्शन प्लस। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिल पर बनी पांच ऐसी ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में जो अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, कभी भी रिमूव हो सकती हैं। आप जल्दी से जल्दी वॉच कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों ये मूवी इंटरटेनमेंट का कम्प्लीट पैकेज है, आपको थ्रिल भर भर के देखने को मिलेगा, एंड तक कनेक्ट रखेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो काफ़ी अच्छी मूवी की जानकारी आपसे मिस हो सकती है। दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी लिस्ट में जो पांच नंबर पे मूवी आती है वरीशु, साल 2023 में आई एक एक्शन ड्रामा वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में विजय, रश्मिका मंडाना, प्रकाश राज, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। बात करें IMDb रेटिंग की तो 6.8 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों 84% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की तो कहानी शुरू होती है विजय राजेंद्रन से, जो अपने लाइफ में बहुत ही खुश होता है, सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पिता की मौत हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है, कहानी एक नया मोड़ लेती है। आगे क्या होता है इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, मूवी बहुत ही बेहतरीन है। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। माय लिस्ट में जो चार नंबर पे मूवी आती है बिजनेसमैन, साल 2012 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में महेश बाबू, काजल अग्रवाल, प्रकाश राज, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। बात करें IMDb रेटिंग की तो 7.2 आउट ऑफ 10 मिली है। वही दोस्तों 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की तो कहानी शुरू होती है सूर्या से, जो अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के लिए मुंबई आता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे मुंबई पुलिस ऑफिसर की खूबसूरत बेटी से प्यार हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। आगे क्या होता है दोस्तों, सूर्या क्या करता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, मूवी बेस्ट है दोस्तों। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अनऑफिशियली अपलोड की गई है। हमारी लिस्ट में जो तीन नंबर पे मूवी आती है डांटू, साल 2011 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और बोमन ईरानी, इसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। बात करें IMDb रेटिंग की तो 7 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों 76% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की तो कहानी शुरू होती है डॉन से, जो पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लेता है। आगे वो यूरोपीय क्रिमिनल को अपना टारगेट बनाकर यूरोप बैंक में चोरी करने के लिए एक टीम बनाकर जाता है। आगे क्या होता है इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, मूवी बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा। हमारी लिस्ट में जो दो नंबर पे मूवी आती है थुनी, वो साल 2023 में आई एक एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म थी, जिसके स्टार कास्ट में अजीत कुमार, मंजू और जॉन के केन, उसके साथ और भी मल्टी स्टार देखने को मिल जाएंगे। बात करें IMDb रेटिंग की तो 6.8 आउट ऑफ 10 मिली है। वहीं दोस्तों 80% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। बात करें स्टोरीलाइन की तो कहानी शुरू होती है एक मास्टरमाइंड अपराधी से, जो एक टीम के साथ खतरनाक प्लान बनाता है, जिसमें वो चेन्नई की बैंक में डाका डालता है, लेकिन उस चोरी के पीछे एक रहस्यमय राज छुपा होता है। आखिर वो क्यों चोरी करता है, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, मूवी बेस्ट है दोस्तों, थ्रिल से भरी पड़ी है मूवी, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं, अनऑफिशियली चैनल पर अपलोड की गई है। हमारी लिस्ट में जो एक नंबर पे आती है एजेंट, दोस्तों इसको ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा सर्च कर रही है और बहुत सारे फेक पोस्टर लगाए जाते हैं, उसमें लोग क्लिक करके देख रहे हैं, लेकिन असली इसकी जानकारी क्या है, ये मूवी कब रिलीज की जाएगी और कब आपको देखने को मिलेगी, ये मैं सारी सच्चाई आपके सामने अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों ये दरअसल 2021 में मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ये मूवी उस टाइम नहीं रिलीज हो पाई, लेकिन अब ये दोस्तों 2023 में 28 अप्रैल को फाइनली इसकी डेट अनाउंस कर दी गई है, ये रिलीज की जाएगी दोस्तों गोल्ड माइंस चैनल और B4 मूवीज चैनल पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों इसकी ओरिजिनल यही डेट है दोस्तों और यही सटीक जानकारी है, और बहुत सारे दोस्तों फेक पोस्टर लगा देते हैं तो उस पर ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होती है। दोस्तों फेक पोस्टर देखकर आप अभी क्लिक ना करिए, वेट कर लीजिए, ये मूवी आपको 2023 28 अप्रैल को फाइनली देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।